हड़ताल के दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ता आक्रोश, कोरोना योद्धाओं के रूप में मिले सम्मान पत्रों की जलाई होली। नीमच जिला चिकित्सालय के बाहर 15 दिन की लगातार हड़ताल के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं लिए जाने के कारण शुक्रवार को सभी संविदा कर्मियों ने कोरोना योद्धाओं के द्वारा कोरोना काल के समय मिले सम्मान एवं प्रशस्ति पत्रों की होली जलाकर शासन का ध्यान अपनी दो सूत्री मांगों की ओर आकर्षित किया। साथ ही देश की के प्रधानमंत्री की माताजी का निधन होने पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना योद्धाओं ने शासन से मांग की है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना की आहट एवं आने वाले दिनों में भारत में इसके असर को देखते हुए हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि हम सभी पुनः अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हो सकें और आम जनता की सेवा कर सकें। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। इस दौरान अगर कोई घटना भी हुई तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। आज हमारी हड़ताल का 16वां दिन है और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए आज हम सरकार को अपना विरोध प्रकट करके हमें जो कोरोना के टाइम पे जो सम्मान पत्र दिए गए थे जो हमारे किसी काम के भी नहीं है अब तो, क्योंकि व्यक्ति को अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो सर्टिफिकेट उसके किस काम आएंगे, सिर्फ दीवारों पे सजाने के काम आएंगे। इसलिए आज हमने उनकी कोरोना के जो सम्मान पत्र हमें दिए थे उनकी हमने आहुति दी है और सरकार को अपना विरोध प्रदर्शित किया है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। आने वाले समय में हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। क्या नाम आपका? अंजलि पुरोहित, उपाध्यक्ष, CHO। हमारी हड़ताल के आज 16 दिन हो गए हैं और सरकार के द्वारा हमारा कुछ भी नहीं सुना जा रहा है, इसलिए आज हमने 2 गतिविधियों के माध्यम से आज विरोध प्रदर्शित किया है। एक हमने जो कोरोना काल में सरकार ने हमें सम्मान पत्र दिया था उसकी हमने होली जलाई है, और दूसरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का निधन हुआ है उनको 2 मिनट की श्रद्धांजलि देकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। अच्छा, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद हमारा आंदोलन उनके रूप को निर्धारण करेगा, हम भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अनिल कुमार डोंगरवाल, जिला अध्यक्ष, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ।